जब फागुन रंग झमकते हो तब देख बहारे होली की, दफ के शोर खड़कते हो तब देख बहारे होली की, परियों के रंग दमकते हो तब देख बहारे होली की, खूम शीशे जाम झलकते हो तब देख बहारे होली की। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ साक्षी जादौन। हमारी खास पेशकश होली है में आपका स्वागत है। दिलों को मिलाने का मौसम है, दूरियां मिटाने का मौसम है, होली का त्यौहार ही ऐसा है, रंगों में डूब जाने का मौसम है। जी हाँ, रंगों में डूब जाने का मौसम आ चुका है। आप ही डूबिए प्यार के रंगों में। आज होली का त्यौहार है और होली का नाम आते ही हमें रंग दिखाई देने लगते हैं, मौज मस्ती और पकवान नजर आने लगते हैं। यूं तो होली भारत के सबसे प्राचीन पर्वों में से एक है, लेकिन इसकी शुरुआत को लेकर कोई पुख्ता जवाब नहीं है। कुछ पौराणिक कथाएं कहानियां जरूर प्रचलित हैं, उनमें से सबसे ज्यादा सुनाई जाने वाली कथा है हिरण्यकश्यप और विष्णु भक्त प्रहलाद की होलिका दहन की। लेकिन इसके अलावा भी कई कथाएं हैं जो राधा कृष्ण और शिव पार्वती से जुड़ी हैं। देखिए, रंगों का त्यौहार होली सभी हिंदू त्योहारों में सबसे जीवंत है। ये भारत में सर्दियों के अंत का प्रतीक है और वसंत ऋतु का स्वागत करता है। हिंदू धर्म में होली का त्यौहार बहुत ही खास और महत्वपूर्ण माना गया है। रंगों का ये पर्व प्यार और एकता का प्रतीक है। इस दिन लोग आपसी मनमुटाव मिटाकर एक दूसरे को रंग और गुलाल लगाते हैं। होली से एक दिन पहले छोटी होली मनाई जाती है। इस दिन होलिका दहन का पूजन होता है। इसी दिन गांव के किसान अपनी फसल के नए दाने अग्नि को चढ़ाते हैं। होलिका की अग्नि में नए अन्न चढ़ाने के बाद ही किसान नया अन्न खाना शुरू करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि होली क्यों मनाई जाती है? होली से जुड़ी हुई कई लोकप्रिय कथाएं हैं। ये दिलचस्प कथाएं त्योहार के पीछे के इतिहास को बताती हैं। होली से जुड़ी तीन कथाएं प्रचलित हैं। शिवजी से जुड़ी कथा। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक माता पार्वती महादेव से विवाह के लिए कठिन तप कर रही थी। वहीं भगवान शिव भी अपनी तपस्या में लीन थे। शिवजी और मां गौरी के पुत्र के हाथों द्वारा ही राक्षस ताड़कासुर का वध निश्चित था। ऐसे में भोलेनाथ और माता का विवाह होना बहुत ही जरूरी था। तब इंद्र और अन्य देवताओं ने मिलकर कामदेव को शिवजी की तपस्या भंग करने के लिए भेजा। कामदेव ने शिवशंकर की तपस्या भंग करने के लिए उन पर पुष्पवाण छोड़ दिया। इससे शिवजी की समाधि भंग हो गई और उन्होंने क्रोध में आकर अपना तीसरा नेत्र खोलकर कामदेव को भस्म कर दिया। लेकिन शिवजी की तपस्या तो भंग हो चुकी थी। अब देवताओं ने उन्हें पार्वती जी के साथ विवाह करने के लिए राजी कर लिया। वहीं कामदेव की पत्नी रति ने अपने पति को दोबारा जीवित करने की प्रार्थना की। तब रति को अपने पति के पुनर्जीवन का वरदान मिला। वहीं शिवजी और माता पार्वती के विवाह की खुशी में देवताओं ने इस दिन को उत्सव की तरह मनाया। कहते हैं वो दिन फाल्गुन पूर्णिमा का ही दिन था। शिव महापुराण में देखा जाए तो उसमें ये वर्णन आता है कि जो है जो कामदेव थे, उन्होंने भगवान शिवजी की तपस्या में विघ्न डालने की कोशिश किया, क्योंकि भगवान शिव की पहली पत्नी जो है सती थी। सती की मृत्यु के बाद भगवान शिव ने प्रण लिया कि मैं जब तक शादी विवाह नहीं करूंगा,
इधर देवताओं ने कई बार भगवान से प्रार्थना की कि भाई प्रभु जब आप दूसरी विवाह करेंगे तो उसके बाद जो है असुरों का विनाश होगा, जो आपके उसके द्वारा जो पुत्र प्राप्त कार्तिक है जो पुत्र होगा उससे शत्रुओं का विनाश होगा। तो उधर उन्होंने संकल्प ले रखा था। फिर कामदेव ने जो कई बार प्रयास किया कि भगवान शिव के मन में काम उत्पन्न करके और जो है विवाह के योग बनाया वो किया जाए, तो उसके द्वारा जब भगवान शिव जी ने जो है श्राप दे के तीसरा नेत्र खोल के उसको भस्म कर दिया। तो एक ये भी कहा जाता है कि उस दिन जो है रति को भगवान शिव ने वरदान दिया कि तुम्हारा जो पति कामदेव जो गुजरा है मतलब हमारे द्वारा भस्म है वो दोबारा जीवित हो जाएगा, और उस दिन शादी का यो मतलब जो है दिन निश्चित भी किया गया। तो उस रूप में भी भक्तों ने जो है होली मनाया। भक्त प्रहलाद की कथा। होली के पर्व से अनेक कहानियां जुड़ी हुई हैं। इनमें सबसे प्रसिद्ध कहानी है प्रहलाद की। भक्त प्रहलाद भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। उनके पिता हिरण्यकश्यप को अपने बेटे की ये भक्ति बिल्कुल रास नहीं आती थी। एक बार उन्होंने अपनी बहन होलिका के साथ प्रहलाद को मारने की साजिश रची। दरअसल होलिका को ऐसा वस्त्र वरदान में मिला हुआ था जिसको पहनकर आग में बैठने से उसे आग नहीं जला सकती थी। यही वस्त्र पहनकर होलिका प्रहलाद को लेकर आग में बैठ गई। भगवान विष्णु के आशीर्वाद से भक्त प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ और होलिका आग में जल गई। बुराई पर अच्छाई की जीत और शक्ति पर भक्ति की विजय के रूप में होली का पर्व मनाया जाता है। भगवान विष्णु जी के भक्त थे कि लोगों ने कई तरह के उनको जो हिरण्यकश्यप था उसने कई तरह का सोचा कि ये अपनी भक्ति छोड़ दे और मेरी पूजा करने लगे मेरी वो करने लगे, लेकिन उसने नहीं माना। तो आखिरी में परेशान होकर उसकी जो बहन होलिका थी उसको आदेश दिया कि भाई ऐसा करो कि तुम्हें तो ब्रह्मा जी द्वारा जो है वरदान प्राप्त है, तुम्हें एक साल भी मिला हुआ है, अगर तुम उस साल को, होलिका ने खुद कहा कि भाई मुझे भी एक बार जो है आप जो है अवसर दीजिए कि मैं इसको भक्त प्रहलाद को खत्म कर दूं, मैं तो बोले मैं इसको जो है आग में लेके बैठूंगी और मैं एक साल ओढ़ लूंगी जो मुझे ब्रह्मा जी से मिला हुआ है, और जब वो मैं अपने गोद में होने जो है भक्त प्रहलाद को लेके बैठूंगी तो उससे क्या होगा, जब उसके बाद आप आग लगा दीजिएगा उसके बाद मैं बच जाऊंगी, भक्त जो है प्रहलाद जो है वो खत्म हो जाएंगे, आपका दुश्मन भी मर जाएगा और आपका जो प्रण है कि भाई विष्णु भक्त को खत्म करना है पूजा पाठ खत्म करना वो भी आपका संकल्प पूरा हो जाएगा। इस तरह करके वो जो है चिता में जो है उसने सजाया गया उसके ऊपर बैठी वो। तो कहते हैं कि भगवान के भक्त को कोई परास्त नहीं कर सकता, ऐसी लीला हुई भगवान की, ऐसी माया हुई कि वो जो साल उसने ओढ़ रखा था वो भक्त के ऊपर आ गया और होलिका जो है जल गई और भगवान का जो है भक्त का जय जयकार हो गया। तो अगले दिन लोगों ने उसको उत्सव के रूप में मनाया। राधा कृष्ण से जुड़ी कथा। होली के त्योहार को सबसे ज्यादा श्री कृष्ण और राधा रानी के प्रेम और अटखेलियों से जुड़ी कथाओं से जाना जाता है। यही नहीं, रंग वाली होली की शुरुआत भी राधा कृष्ण द्वारा ही शुरू हुई थी। एक पौराणिक कथा के अनुसार जिसमें माँ यशोदा के दिए उपाय से श्री कृष्ण ने राधा रानी को अपने रंग में रंग दिया। आपने ये गीत तो सुना ही होगा कि यशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। पौराणिक कथा के अनुसार श्री कृष्ण हमेशा अपने सांवले रंग को लेकर अपनी माता से सवाल पूछा करते थे। एक दिन यशोमती माँ ने उन्हें सुझाव दिया कि वे राधा के चेहरे पर रंग लगा देंगे तो राधा का रंग भी कान्हा जैसा हो जाएगा। इस सुझाव को सुनकर भगवान कृष्ण ने राधा को रंग लगाने की तैयारी शुरू कर दी। श्री कृष्ण को यशोदा मैया का ये सुझाव बहुत पसंद आया और उन्होंने मित्र ग्वालों के साथ मिलकर कुछ अनोखे रंग तैयार किए जिस रंग में वो राधा रानी को रंगना चाहते थे, और ब्रज में राधा रानी को रंग लगाने पहुंच गए। श्री कृष्ण ने अपने ग्वाला मित्रों के साथ मिलकर राधा और उनकी सखियों को जमकर रंग लगाया। ब्रजवासियों को उनकी ये शरारत बहुत पसंद आई। कहते हैं कि तब से ही रंग वाली होली की परंपरा शुरू हुई। आज भी मथुरा में भव्य और धूमधाम तरीके से होली खेली जाती है। तो जो हमारे माखन चोर जो हमारे सबके दिलों में बसते हैं बाके बिहारी, तो कहते हैं कि जो है एक बात, क्योंकि भगवान जो है कृष्ण जो है सांवले रंग के थे तो कई बार उनको लगता था कि भाई यशोदा जी को लगता था कि भाई मेरा पुत्र जो है सांवला है सब गोरे हैं, तो उन्होंने ऐसा कर दिया कि भाई सब लोग रंग बिरंग हो जाए ताकि ये ना पता लगे, भेदभाव ना रहे कि कौन सांवला है कौन गोरा है,
और होली वाले दिन वास्तव में ऐसा देखा जाता है कि कोई किसी को पहचान नहीं पाता। हमारे यहाँ साधु समाज में भी होली मनाया जाता है। होली जो है आपस में भाईचारे का एक प्रेम है। हम लोग उस दिन मिलते हैं, लड़ाई झगड़ा आपसी राग दोष ये सब मिटा के गले मिलते हैं, रंग लगाते हैं, खुशी का त्योहार। होली के पर्व की तरह इसकी परंपराएं भी अत्यंत प्राचीन है और इसका स्वरूप और उद्देश्य समय के साथ बदलता रहा है। प्राचीन काल में ये विवाहित महिलाओं द्वारा परिवार की सुख समृद्धि के लिए मनाया जाता था और इस दिन पूर्ण चंद्र की पूजा करने की परंपरा थी। वैदिक काल में इस पर्व को नवत्रष्टि यज्ञ कहा जाता है। उस समय खेत के अधपके अन्न को यज्ञ में दान करके प्रसाद लेने का विधान समाज में व्याप्त था। अन्न को होला कहते हैं, इसी से इसका नाम होलिकोत्सव पड़ा। भारतीय ज्योतिष के अनुसार चैत्र शुद्धि प्रतिपदा के दिन से नव वर्ष का भी आरंभ माना जाता है। इस उत्सव के बाद ही चैत्र महीने का आरंभ होता है। एक अन्य कथा के अनुसार त्रेतायुग की शुरुआत में भगवान विष्णु जी ने धूलि का वंदन किया था, इसलिए होली के इस त्योहार को धुलेंडी के नाम से भी मनाया जाता है। धुलेंडी होली के अगले दिन मनाया जाता है, जिसमें लोग एक दूसरे पर धूल और कीचड़ लगाते हैं और इसे धूल स्नान कहा जाता है। पर्व का पहला दिन होलिका दहन का दिन कहलाता है। इस दिन चौराहों पर जहां कहीं अग्नि के लिए लकड़ी इकट्ठी की गई होती है वहां होली जलाई जाती है। होली से अगला दिन धूलिवंदन कहलाता है। इस दिन लोग रंगों से खेलते हैं। सुबह होते ही सब अपने मित्रों और रिश्तेदारों से मिलने निकल पड़ते हैं। गुलाल और रंगों से सबका स्वागत किया जाता है। लोग अपनी ईर्ष्या द्वेष की भावना भुलाकर प्रेम पूर्वक गले मिलते हैं और एक दूसरे को रंग लगाते हैं। इस दिन जगह जगह टोलियां रंग बिरंगे कपड़े पहने नाचती गाती दिखाई पड़ती हैं। बच्चे पिचकारियों से रंग छोड़कर अपना मनोरंजन करते हैं। सारा समाज होली के रंग में रंगकर एक सा बन जाता है। रंग खेलने के बाद दोपहर तक लोग नहाते हैं और शाम को नए वस्त्र पहनकर सबसे मिलने जाते हैं। होली त्योहार है रंगों का, घर में आए मेहमानों का, गली में गली वालों का, मोहल्ले में मोहल्ले वालों का और देश में देश वालों का। और इसी त्योहार पर रंग जमाने जब दोस्त पड़ोसी घर पहुंच जाते हैं तो उत्सव का माहौल जम जाता है। इसी उत्सव के माहौल में गरम गरम गुजिया, स्वादिष्ट दही बड़े, ठंडाई सहित कई पकवान चार चांद लगा देते हैं। रंगों के इसी पर्व में पकवानों की भूमिका विशेष होती है और खास तौर से गुजिया, जिसको खाने के लिए लोग होली का बेसब्री से इंतजार करते हैं। हजारों लाखों वर्षों से लोग होली का त्योहार मनाते चले आ रहे हैं। होली का नाम सुनते ही लोगों के मन में रंग बिरंगे गुलाल और रंग आने लगते हैं। वहीं अगर बात करें तो होली में तरह तरह के पकवान भी बनते हैं। होली के दिन रंगों का त्योहार मनाने के साथ साथ लोग कुछ खास व्यंजन भी घर पर बनाते हैं, जिनमें से कुछ प्रसिद्ध व्यंजन हैं, जिनके बिना होली का त्योहार मनाने की कल्पना भी नहीं की जा सकती। जैसे इस पर्व की खास मिठाई गुजिया, जो हर घर में बनती है। मीठे के शौकीन लोग तो मानो पूरे साल गुजिया खाने के लिए इस खास त्योहार का इंतजार करते हैं और रंगों में सराबोर होने के साथ गुजिया का लुत्फ उठाते हैं। खोए और मैदे से बनी ये खास मिठाई वास्तव में जब प्लेट में सर्व की जाती है तब मुंह में पानी आ जाता है और इसका स्वाद लाजवाब लगता है। होली के मौके पर गुजियों की बाजारों में डिमांड भी बहुत बढ़ जाती है। होली के समय गुंजिया की बिक्री शुरू हो जाती है। कोई रिश्तेदार वगैरह आते हैं तो गुंजिया की सेल बढ़ जाती है
और हमारा तो पुराना काम है, दादा परदादा के टाइम से गुंजिया हम बहुत बढ़िया बनाते हैं। होली के त्यौहार पे गुंजिया चलती है जी, इसलिए लोग मांगते हैं। गुंजिया खूब बिकती है जी, होली के त्यौहार पे बढ़िया गुंजिया बनाते हैं ड्राई फ्रूट वाली। हमारे यहाँ पे होली के त्यौहार पर सबसे ज़्यादा बिक्री गुंजिया की होती है। ये माना भी जाता है कि हमारे की गुंजिया होली के लिए ही स्पेशल बनाई जाती है और होली पे इसका शगुन भी होता है। जो भी किसी के घर पे मेहमान आते हैं होली पर, तो उसके लिए गुंजिया शगुन के तौर पर उनको खिलाई जाती है। और हमारे यहाँ पे गुंजिया की बहुत सारी वैरायटी हैं। ये सब देसी घी से बनाई जाती हैं और इसमें जो इसके अंदर मटेरियल फिल किया जाता है वो भी प्योर देसी घी का होता है और अच्छी क्वालिटी का भरा जाता है। खाने में भी स्वादिष्ट होती है और हमारे यहाँ पर सुबह से शाम तक होली के समय गुंजिया की ही बिक्री होती है। होली को लेकर के यहाँ के लोगों में गुंजिया का काफ़ी क्रेज़ है और देसी घी में गुंजिया है स्पेशल ड्राई फ्रूट से बने हुए। और होली पे खास तौर पे मेहमानों को और घर आए मेहमानों के लिए जो भी है स्पेशल गुंजिया गिफ्ट देते हैं और अच्छी खासी डिमांड है यहाँ पर गुंजिया की। बता दें, गुंजिया की शुरुआत काफी पुरानी है। ये एक मध्यकालीन व्यंजन है जो मुगल काल से पनपा और कालांतर में त्योहारों की स्पेशल मिठाई बन गई। इसका सबसे पहला जिक्र 13वीं शताब्दी में एक ऐसे व्यंजन के रूप में सामने आता है जिसे गुड़ और आटे से तैयार किया गया था। ऐसा माना जाता है कि पहली बार गुजिया को गुड़ और शहद को आटे के पतले खोल में भरकर धूप में सुखाकर बनाया गया था और ये प्राचीन काल की एक स्वादिष्ट मिठाई थी। लेकिन जब आधुनिक गुजिया की बात आती है तब इसे 17वीं सदी में पहली बार बनाया गया। गुजिया के इतिहास में ये बात सामने आती है कि इसे सबसे पहली बार उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में बनाया गया था और वहीं से ये राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार और अन्य प्रदेशों में प्रचलित हो गई। कई जगह इस बात का जिक्र भी मिलता है कि भारत में समोसे की शुरुआत के साथ ही गुजिया भी भारत में आई और यहाँ के खास व्यंजनों में से एक बन गई। इस स्वादिष्ट मिठाई गुजिया को देश भर में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जहाँ महाराष्ट्र में इसे करंजी कहा जाता है, वहीं गुजरात में इसे घुघरा कहा जाता है। बिहार में इस मिठाई को पेड़किया नाम दिया गया है। वहीं उत्तर भारत में गुजिया और गुजिया नाम से जानी जाती है। गुजिया के इतिहास में एक दिलचस्प बात ये सामने आती है कि एक समय ऐसा था जब औरतें गुजिया बनाने के लिए काफी दिनों पहले से ही अपनी नाखून बढ़ाया करती थीं। तब औरतों का मानना था कि बढ़े हुए नाखूनों से गुजिया को आसानी से गोट कर सही आकार दिया जा सकता है। पारंपरिक रूप से इसे हाथों से गोट कर ही बनाया जाता था, लेकिन अब इसे बनाने के कई अन्य तरीके भी हैं, जैसे इसे सांचे से भी बनाया जाता है। होली में क्यों बनाई जाती है गुजिया? दरअसल होली में गुजिया बनाने का चलन सदियों पुराना है। ऐसा माना जाता है कि होली में सबसे पहले ब्रज में ठाकुर जी यानी कृष्ण भगवान को इस मिठाई का भोग लगाया जाता है। होली के त्योहार में इसे विशेष रूप से तैयार किया जाता है, क्योंकि इसका चलन ब्रज से ही आया और ब्रज में ही होली के दिन पहली बार गुजिया का भोग लगाया गया था, तभी से ये होली की मुख्य मिठाई के रूप में सामने आई। हालांकि अब ये मिठाई होली के अलावा भी कई त्योहारों जैसे दिवाली और बिहार में छठ पूजा में भी बनाई जाती है। वहीं होली के पर्व पर गुजिया के अलावा ठंडाई भी बनाई जाती है। बता दें कि ठंडाई एक भारतीय पेय है जिसे भारत के लोग सदियों से पीते आ रहे हैं। खास तौर पर होली और शिवरात्रि पर इसे पिया जाता है। हालांकि ठंडाई का इतिहास भी बहुत पुराना है। इसमें कई औषधीय गुण होते हैं। इसके अलावा इसे पीने के बाद शरीर को ठंडक पहुंचती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सबसे पहले ठंडाई को भगवान शिव को अर्पित किया गया था, जिसके बाद देश भर में इसे पीने का सिलसिला शुरू हो गया और होली पर ठंडाई पीने की परंपरा भी सदियों से चली आ रही है। होली के मौके पर गुजिया के बाद जो पकवान लोगों को बहुत पसंद है वो है दही वड़ा या दही भल्ला। गाढ़े दही में डूबे उड़द के वड़े मुंह में डालते ही घुल जाते हैं। इसका चटपटापन और दही की तासीर दोनों मिलकर जुबान पर स्वाद का संगम कर देते हैं। होली पर अक्सर हर घर में दही बड़े बनाए जाते हैं जिन्हें लोग बड़े ही चाव से खाते हैं। दही वड़ा के अलावा होली के दिन आलू से लेकर पनीर और गोभी सभी सब्जियों के पकौड़े बनाए जाते हैं। जानकारी के अनुसार पहले के समय में पकौड़े को परीका और पक्कावत कहा जाता था। पक्कावत को पक्का शब्द यानी पका हुआ और वात यानी छोटे टुकड़े को जोड़कर बनाया गया है।
पहले के समय में इसे तेल में तले हुए पकौड़े के नाम से भी जाना जाता था। होली भारत का बहुत ही लोकप्रिय और हर्षोल्लास से परिपूर्ण त्योहार है। लोग चंदन और गुलाल से होली खेलते हैं। जनता का विश्वास होता है कि होली के चटक रंग ऊर्जा, जीवंता और आनंद के सूचक हैं। और यही विश्वास न केवल भारतीयों का है बल्कि दुनिया भर में है, क्योंकि विदेशों में भी होली की धूम होती है। हमारे देश में होली का त्योहार अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। वैसे तो हमारे देश में सर्वाधिक चर्चित ब्रज की होली कही जाती है, लेकिन उत्तर प्रदेश के साथ साथ राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड और बिहार में भी काफी अलग तरीके से होली मनाने की परंपरा है। ब्रज की होली पूरे देश में आकर्षण का केंद्र बिंदु कही जाती है। मथुरा वृंदावन के साथ साथ ब्रज क्षेत्र के अन्य जिलों में हर्ष और उल्लास के साथ 15 दिनों तक होली का त्योहार मनाया जाता है। उत्तराखंड के इलाके में मनाई जाने वाली पहाड़ की होली की बात करें तो कुमाऊं इलाके की बैठक की होली काफी चर्चित रहती है। हरियाणा राज्य में धुलंडी का त्योहार काफी जोशो खरोश के साथ मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ के इलाके में होली में लोक गीतों की अद्भुत परंपरा है। वहीं मध्य प्रदेश के मालवा अंचल के आदिवासी इलाकों में इसको काफी जोश के साथ धूमधाम से मनाया जाता है। बिहार का फगुआ बड़ा अनोखा होता है। इस दिन लोग जमकर मौज मस्ती करते हैं। देश के पूर्वी राज्य पश्चिम बंगाल में बंगाली समुदाय के लोग दोल यात्रा चैतन्य महाप्रभु के जन्मदिन के रूप में और रंगों और गुलाल के साथ मनाते हैं। वहीं महाराष्ट्र में मराठी समुदाय के लोग रंग पंचमी मनाते हैं। मराठी लोग देश के हर कोने में अपने अपने हिसाब से रंग पंचमी मनाते हैं। इस दिन लोग राधा कृष्ण को रंगीन अबीर गुलाल अर्पित करते हुए दिन में गाने बजाने के साथ जुलूस भी निकालते हैं। पंजाब में होली के दिन होला मोहल्ला मनाया जाता है। ऐसे में देश के अलग अलग राज्यों में होली की रौनक देखने को मिलती है। बता दें, भारत के इस प्रमुख त्योहार की रौनक विदेशों में भी देखने को मिलती है। विदेशों में होली का त्योहार धूमधाम से मनाया जाता है। फिजी में भी होली धूमधाम से मनाई जाती है। इस मौके पर लोकगीत और नृत्य कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाता है। स्थानीय भाषा में लोकगीत को फाग गायन कहते हैं। नेपाल में हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों की ज्यादा संख्या है, इसके लिए होली का त्योहार भी धूमधाम से मनाया जाता है। स्थानीय भाषा में होली को फागु पुन्ही कहा जाता है। हालांकि देश के अलग अलग हिस्सों में होली के रीति रिवाजों में मामूली अंतर है। दुनिया के कई देशों में होली का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इनमें एक देश फिलीपींस भी है। फिलीपींस में भी होली परंपरा पूर्वक मनाई जाती है। भारत की तरह मॉरिशस में भी महाशिवरात्रि के दिन से ही होली की शुरुआत हो जाती है। लोग रात्रि में एकत्र होकर होली गीत गाते हैं। इस मौके पर एक दूसरे को गुलाल भी लगाते हैं। वहीं फाल्गुन माह की पूर्णिमा को होलिका दहन भी करते हैं। श्रीलंका के लोग भारत की तरह ही ये त्योहार मनाते हैं। इस दिन कोलंबो में एक प्रसिद्ध श्री शिव सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर के परिसर में होली का आयोजन किया जाता है। इंडोनेशिया के लोग होली को प्रोहियों कहते हैं। इस दिन लोग एक दूसरे के घरों में जाकर पार्टी करते हैं और रंग का त्योहार मनाते हैं। म्यांमार में होली का त्योहार भारत की तरह ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन लोग एक दूसरे पर रंग लगाते हैं और एक दूसरे पर पानी और रंग डालते हैं। बता दें, रंगों का त्योहार होली खुशी और उमंग का प्रतीक है और इसीलिए भारत का सबसे प्राचीन और लोकप्रिय त्योहार होली सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के कई देशों में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। होली भारतीय संस्कृति में आस्था रखने वालों या मानवता के पक्षधरों द्वारा मनाया जाने वाला ऐसा पर्व है जिसका उद्देश्य बेरंग और उदासी को खुशियों और सकारात्मक रंग से भरना है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।
मियाँ तू हमसे न रख कुछ गुबार होली में, कि रूठे मिलते हैं आपस में यार होली में, मची है रंग की कैसी बहार होली में, हुआ है जोर ए चमन आश्कार होली में, अजब ये हिंद की देखी बहार होली में। इन्हीं पंक्तियों के साथ हमारी खास पेशकश होली है में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, देखते रहिए सूर्या समाचार।